आसनसोल लोकसभा सीट और चार विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए शनिवार 16 अप्रैल 2022 सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई। मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। अब पश्चिम बंगाल के आसनसोल और बालीगंज, बिहार के बुचाहन, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ और महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर में हो रही है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को 25,112 वोटों की लीड मिली, जिसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा समेत अन्य प्रत्याशियों से 91,000 वोटों से आगे हैं। बाबुल सुप्रियो ने भारत जनता पार्टी भाजपा से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में जाने के बाद आसनसोल के सांसद के रूप से इस्तीफा दे दिया था, जबकि राज्य मंत्री सुब्रत मुखर्जी, जिन्होंने बालीगंज का प्रतिनिधित्व किया था, का पिछले साल निधन हो गया था। 12 अप्रैल को हुए चुनाव में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र और बालीगंज विधानसभा सीट पर क्रमशः 46% और 41-23% मतदान दर्ज किया गया। सभी की निगाहें शत्रुघ्न सिन्हा पर हैं, जिन्हें आसनसोल से ममता बनर्जी की पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने आसनसोल लक्ष्मण से विधायक अग्निमित्र पॉल का उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने उनकी जीत के लिए पूजा अर्चना की है। पूजा के बाद पूनम ने कहा कि उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा की जीत का भरोसा है। शत्रुघ्न सिन्हा के आगे चलने पर उन्होंने खुशी जताई और कहा कि मैं चाहती हूँ कि शत्रुघ्न अच्छे अंतर से चुनाव जीतें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।